कपकोट के पूर्व विधायक ललित फरसवाण ने कपकोट के दूरस्थ गांव कुंवारी का भ्रमण करते हुए वहां ग्रामीणों को कोरोना महामारी के प्रति जागरूक किया तथा मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए हैं। विधायक ने कुंवारी गांव के आपदा प्रभावित परिवारों से भी मुलाकात की। 2013 में आई आपदा के बाद कुंवारी के 64 परिवारों को विस्थापित किया गया था, लेकिन 18 परिवारों को अभी तक विस्थापित नहीं किया जा सका है। कुंवारी के ग्राम प्रधान ने बताया कि गांव में पानी की भी किल्लत बनी हुई है। भ्रमण के दौरान जिला पंचायत सदस्य हरीश ऐठानी ने भी ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी तथा निदान का भरोसा दिलाया है। 2018 की आपदा में जो कुंवारी में एक बार पुनः आपदा आई थी और इतने 18 परिवार यहां पर बेघर हो गए। इन 18 परिवारों को पूर्व के जिलाधिकारी से लेकर पूर्व के प्रशासन से मैंने मिलाने का पूरा काम करा था और आज 2018 से इन परिवारों को न सरकार के द्वारा विस्थापन किया गया, ना ही इनकी कोई ऐसी सुध ली गई और जरूर इनको आश्वासन 3 सालों के अंतर्गत सरकार के डबल इंजन के द्वारा दिया गया है। कभी बिलुप में बसाने की बात करी जाती है, कभी कपकोट में बसाने की बात करी जाती है, कभी ग्वालदम के आसपास बसाने की बात करी जाती है, लेकिन फिर भी इन गाँव के लोगों की ओर कुंवारी के दुख दर्द में न यहाँ के जिला पंचायत अध्यक्ष जी का ध्यान जा रहा है, न इस क्षेत्र के ब्लॉक प्रमुख जी का ध्यान जा रहा है और न यहाँ के विधायक जी का ध्यान जा रहा है। जो ट्रिपल इंजन लगाने के बावजूद भी 18 परिवारों का विस्थापन नहीं करा पा रही है, उस सरकार से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, उस ग्राम सरकार से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, उस जिला सरकार से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं आपके इस चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन हमारी बात का संज्ञान ले और तत्काल यहाँ पर क्षेत्रीय पटवारी के साथ यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको भेजकर कम से कम एक मानवता के नाते यहाँ के लोगों का दुख दर्द समझकर इनको विस्थापन करने की जरूर कोशिश कीजिए। धन्यवाद। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।